हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुलाना से बीजेपी वरिष्ठ नेता और समाज सेवी डॉक्टर समुंदर लाठर ने कहा कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं में सबसे पहले मैंने घोषित किया है कि समाज जो टैक्स के रूप में सरकार को पैसे देता है वह सरकार के पास जाता है और वह पैसे समाज के होते हैं जो कि हर टैक्स के रूप में लिया जाता है। मैंने शुरू से ही एक नियम बनाया है कि समाज को कुछ देना होता है, समाज से लेना नहीं होता। मैंने कभी भी समाज से कोई चीज लेने की कोशिश नहीं की। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो अपना व्यवसाय करूँगा। यहाँ बोला है कि ना तो मैं तनख्वाह लूंगा, ना ही कोई वेतन लूंगा और ना ही कोई पेंशन लूंगा। और यह घोषणा मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं इसको लागू करवाना चाहता हूँ और इस पर मैं एक बिल बनवाना चाहता हूँ। डॉक्टर समुंदर लाठर ने बताया कि 4 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री जुलाना में होंगे और गौशाला के अंदर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद होंगे। इस विशेष कार्य के लिए पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है मैं उसको निभाने के लिए चल रहा हूँ। पार्टी का जो फंक्शन है उसको बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ। जो भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाया है। 4 तारीख को 11 बजे सीएम साहब जोना जुलाना में होंगे और गौशाला के अंदर 4 एकड़ का हमने मैदान तैयार किया है और उस मैदान में प्रॉपर पार्किंग होगी, प्रॉपर सिस्टम होगा, सीटिंग अरेंजमेंट होगा और वहाँ एक अच्छी भीड़ इकट्ठी होगी और जुलाना हल्के की हाजिरी हम 4 तारीख को वहाँ पर सीएम साहब के सामने दर्ज कराएंगे। और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नील जैन जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बराला जी और काफ़ी अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उनके साथ होंगे और हमारे माननीय सांसद रमेश कौशिक जी भी उस दिन साथ होंगे। उनका इलाका है, उनकी हाजिरी में भी सारा कुछ हम जुलाना की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लेकिन जुलाना का जो विशेष कार्यक्रम है वो गौशाला में है और उसकी जिम्मेवारी मेरे को मिली है तो मैं तो अपनी पार्टी की लाइन के अंदर जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको निभाने के लिए चल रहा हूँ और पार्टी का जो फंक्शन है उसको बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। सभी का फंक्शन है, कोई एक व्यक्ति विशेष का फंक्शन नहीं है, सबके पॉइंट अलग अलग फिक्स किए गए हैं लेकिन मेन फंक्शन गौशाला में होगा क्योंकि वहाँ 4 एकड़ जमीन है और 4 एकड़ जमीन के बगैर ना तो पार्किंग हो सकती ना पब्लिक इकट्ठी हो सकती। और पार्टी ने ये जिम्मेवारी मुझे क्यों दी है, इसका मतलब एक ही है कि इस सारी जिम्मेवारी को मैं अच्छे से निभा पाऊंगा और जब जो भी पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारियाँ दी हैं उनको बाखूबी मैंने निभाया है। जो आस्था रैली थी जींद में उसमें भी मैं कन्वीनर कह लो, उसमें 7 आदमी कमेटी में मैं मेन आदमी था जिसकी जिम्मेवारी थी और जुलाना हल्के की जिम्मेवारी भी मुझे मिली है और इसको मैं बाखूबी निभाऊंगा। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं के अंदर सबसे पहले मैंने घोषित किया है कि समाज जो कर के रूप में पैसा देता है, सरकार के ऊपर पास जो पैसा आता है वो समाज का होता है जो कि हर कर के रूप में समाज देता है। मेरा शुरू से एक नियम रहा है, समाज को कुछ देना होता समाज से लेना नहीं होता। मैंने ताज जिंदगी कभी समाज से कभी कोई चीज लेने की कोशिश नहीं की। अगर मुझे पैसे कमाने हो तो मैं अपना व्यवसाय करूंगा। यहाँ तो मैंने ये बोला है कि ना तो मैं तनख्वाह लूंगा, कोई वेतन नहीं लूंगा, कोई पेंशन नहीं लूंगा और कोई भत्ता नहीं लूंगा और समाज के जो पैसा है जो सरकार के पास इकट्ठा होता है ये सरकार का पैसा नहीं होता है, समाज का पैसा होता है और इसमें ताउम्र मैंने कुछ नहीं लिया है। मैं तो समाज के पैसे से एक पैसा नहीं लूंगा और ये घोषणा मैंने इसलिए की है, इसको मैं लागू करवाना चाहता हूँ और इसको मैं एक बिल बनवाना चाहता हूँ। अगर मेरी अगर किसी ने सुनी तो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं इसको लागू करा पाऊंगा लेकिन इस मुद्दे को मैं जरूर उठाना चाहता हूँ।